शिवपुरी जिले के ग्राम पंचायत रोजगार संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला पंचायत सीईओ को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से रोजगार सहायकों ने मांग की है कि रोजगार सहायकों की सीआर लिखने का जो अधिकार सरपंच संगठन को मुख्यमंत्री ने लिखने का आश्वासन दिया था, उसका ग्राम पंचायत रोजगार संघ विरोध करता है। इसके तहत ही पंचायत रोजगार सहायक संगठन ने मांग की कि रोजगार सहायकों के अत्यधिक दबाव बनाने के चलते 8 से 10 रोजगार सहायकों ने आत्महत्या कर ली है, साथ ही कुछ गंभीर बीमारी और दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। इसलिए रोजगार सहायकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। अभी प्रदेश में हाल ही में ग्राम रोजगार सहायकों की सीआर लिखने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जा रहा है, इसी के विरोध में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। साथ ही हमारे इस महीने में लगभग मानसिक प्रताड़ना से 8 से 10 लोगों की मृत्यु हुई, उनकी अनुकंपा और आर्थिक सहायता दी जाए। और बाकी जो हमारा पंचायत सचिव के समान सेवा सत्ता करने का जो सरकार ने घोषणा की थी उसको पूरा किया है, इसी के लिए हम एकत्रित हुए हैं। यदि आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे फिर भोपाल में बड़ा धरना दिया जाएगा, घेराव किया जाएगा। जो आज ज्ञापन दिया है वो प्रदेशव्यापी ज्ञापन है, इसमें जो सीआर लिखने का है उसके विरोध में है। और कई भाइयों ने हमारे आत्महत्या की है, कोई मानसिक तनाव के कारण और गंभीर बीमारी के कारण जो मर गया है, उनकी सहायता के लिए जीआरएस, हाँ उनकी सहायता के लिए पूरे प्रदेश में प्रदेश व्यापी ज्ञापन दिया गया है। उनकी एक परिवार के लिए जो 10 लाख की जो घोषणा पहले सीएम महोदय ने जो की थी मई 2023 में, और उसमें जो अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार के लिए और पंचायत सचिवों की भांति हमको जो सेवा शर्त है उनकी, उनको लागू करने के लिए ज्ञापन।